करनाल के नगर निगम के कर्मचारियों ने 4 महीने से वेतन ना मिलने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन ना मिलने से उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि करीब 700 कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन ना दिए जाने के आरोप लगाते हुए पिछले 3 दिनों से रोष प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। यहां हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा जो कर्मचारी पहले ठेके पर लगाए गए थे उनको पैरोल पर लेते हुए विभाग में लगातार सेवाएं देने के लिए नियुक्ति की थी, जिनकी पिछले 4 महीने से वेतन ना मिलने के कारण हालत पतली होती जा रही है और रोजी रोटी के लाले पड़ने शुरू हो गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द निगम प्रशासन एवं सरकार इन कर्मचारियों को वेतन दे, साथ ही सफाई करते वक्त जो सामान इनको चाहिए जैसे वर्दी जूते वह भी जल्द से जल्द मुहैया करवाएं, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी काम छोड़कर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ज्यादा हो गया, टाइम दे रहे हैं अभी, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। हमने कभी इन्हें फिर ये बात भी कही है भाई, छुट्टी हम जो है ना इनकी दो पार्ट में दे दें, आधे होगी शनिवार ना आधे होगी संडे ना, भाई दे दो कोई बात नहीं, हमने उनकी लिस्ट दे दो भाई, किन की तो संडे ना करेंगे किन की शनिवार ना करेंगे वो हमारे तो बता दो। वो भी आज लगे एक महीने तक नहीं दिया, फिर आज कल परसों की बात है, परसों जो हम गेट अपना जा रहे थे मीटिंग करने अपने कर्मचारियों के साथ और काम के करने के बारे में भी, भाई काम अपना ईमानदारी से काम करो और बढ़िया काम करो, जो पीछा मान ले नंबर आए थे करनाल के उससे बढ़िया नंबर आने चाहिए, ये बात कहने गए एक वहाँ सुपरवाइजर है जोनी, जो कि हमारी है शारदा जी है बहन, स्टेट की हमारी सचिव है, उसके साथ बदतमीजी करी, एक उसको मांग करें कि उसको स्टॉल लें और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई ने ये जो बैनर के तले ये जो गेट मीटिंग की, हम लगातार 3 दिन से लगातार ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, 4-4 महीने से इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई, अगस्त में ये पेरोल पर आना शुरू हुए थे, आज दिसंबर भी जाने वाला है लेकिन प्रशासन अभी सोया पड़ा है, प्रशासन आनाकानी कर रहा है, ना तो इनकी सप्ताह की कोई छुट्टी देने की बात करते हैं, ना कोई इनको प्रॉपर कोई इनकी झाड़ू वर्दी जूता कोई इनका औजार नहीं है ढंग से, और सैलरी सबसे मेन मुद्दा है सैलरी का, अगर सैलरी नहीं तनख्वाह नहीं होगी तो फिर इनके बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। आज तो स्थिति वो हुई है कि जो जहाँ से ये बेचारे आधार से दारू उठा करके ये अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, आज वो इनको दुकानदार भी इनसे उधार देने से जवाब देने लग गया। हम मांग करते हैं अगर आज 1-2 दिन में तनख्वाह का प्रबंध नहीं होया तो फिर ये हम मजबूर होंगे, ये काम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, इसकी जिम्मेदारी यहाँ की निगम प्रशासन की हो। कौन कौन से कर्मचारी हैं ये जो 757 जो ठेके से मतलब हटा करके ये पेरोल पर करे महकमे के रोल पर आए हैं जो 757 कर्मचारी, ये उनकी तनख्वाह की बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.